कीवी टीम के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में उमरान मलिक को दिया जाएगा मौका। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों को दिया जाएगा आराम। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारत के लिए काफी अहम होने वाली है, जिसे देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने टीम में बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं तीनों मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2-0 से अपनी बढ़त बना ली है, इसलिए शहबाज अहमद के अलावा उमरान मलिक और युजवेंद्र चहल को टीम में मौका दिया जा सकता है। साथ ही रजत पाटीदार को भी वनडे में डेब्यू करने का मौका मिलेगा, जो अभी तक मौके की तलाश में बैठे हुए थे। वहीं अगर आखिरी वनडे मैच में भी भारत ने न्यूजीलैंड टीम को हरा दिया तो सीरीज को जीत लेगी, साथ ही आईसीसी के रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 टीम बन जाएगी। हालांकि तीसरे वनडे मैच के लिए टीम में काफी बदलाव हो सकते हैं। बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे 8 विकेट से जीत लिया था और सीरीज को 2-0 सील कर दिया था। पहले वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लय को दोबारा से हासिल की। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने रायपुर में कीवी टीम के टॉप ऑर्डर को ढेर करते हुए शानदार गेंदबाजी की। हालांकि दूसरे वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने शमी और सिराज को 12 ओवर ही करवाए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखते हुए वो किसी तरह के जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, पिछले 5 मुकाबलों में गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, हमने उन्हें जो भी करने कहा वो करके दिखाए, लेकिन मैं खिलाड़ियों को याद दिलाना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, इसलिए हमको खुद का ख्याल रखना है और हमको किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना है। ये रही एक छोटी सी अपडेट, बने रही हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।